देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते भले ही भगवान बालाजी के दर्शन फिलहाल मुमकिन नहीं हैं, लेकिन मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने बालाजी का प्रसाद लड्डू बेचने का फैसला किया है। सोमवार को पहले ही दिन करीब 2.5 लाख लड्डू सिर्फ 3 घंटे में बिक गए। इसके लिए आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में विशेष काउंटर बनाए गए। लड्डू की कीमत को आधा कर 50 से 25 रुपये कर दिया गया। काउंटर खुलने के साथ ही लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई और पलक झपकते ही सभी काउंटर पर लड्डू बिक गए। आखिर ऐसा क्या जादू है इस लड्डू में जिसे लेने के लिए लोग टूट पड़ते हैं? भगवान बालाजी के इस प्रसाद को लेकर दुनिया भर के लोग इस कदर दीवाने क्यों हैं? बालाजी के मंदिर में 300 सालों से मिल रहे इन लड्डुओं का मोह आज तक कम क्यों नहीं हुआ? आज की वीडियो स्टोरी में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इन लड्डुओं से जुड़ी ऐसी सीक्रेट बातें आपको पता चलेंगी जिनके बारे में आपने आज तक न सुना और ना ही देखा होगा। इस लड्डू की रेसिपी भी बहुत अलग है। लड्डू को बनाने में बेसन, किशमिश, मक्खन, काजू, खाने वाले कपूर और इलायची का इस्तेमाल होता है। तिरुपति में मिलने वाले लड्डू एकदम ताज़ा होते हैं। हर दिन यहाँ करीब 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं, इसलिए लड्डू बनाने के लिए एक खास जगह तय की गई है। साथ ही इसे बनाने वाले रसोई भी अलग हैं। इस खुफिया रसोई को पोटू कहते हैं। यहाँ केवल मंदिर के पुजारी और कुछ खास लोग ही जा सकते हैं। यहाँ सबके जाने पर पाबंदी है। यहाँ साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। बालाजी में मिलने वाले इस खास लड्डू की सबसे रोचक बात यह है कि लड्डू की बेतहाशा मांग को देखते हुए इसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। सुरक्षा कोड और बायोमेट्रिक विवरण जैसे चेहरे की पहचान के बाद ही एंट्री मिलती है। इनका वजन 174 ग्राम का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग इसे घर पर तो बनाते हैं लेकिन इस जैसा स्वाद हासिल नहीं कर पाते। इसमें हर लड्डू का वजन निश्चित होता है। बहुत से लोगों का दावा है कि यह मंदिर का चमत्कार ही है कि लाख कोशिशों के बाद भी वे घरों में ऐसा लड्डू नहीं बना पाते। प्रसाद के रूप में मिलने वाले इस लड्डू का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी खास बात यह है कि यह कई दिनों तक खराब नहीं होता है। साथ ही इसकी कीमत भी सिर्फ 25 रुपये है, इसीलिए लोग स्वादिष्ट लड्डुओं को खरीदना पसंद करते हैं। प्रसाद खाने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अज्ञानतावश किए गए पापों का नाश भी होता है। प्रसाद का निरादर करने को अशुभ माना जाता है, तभी प्रसाद ग्रहण करते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि इसका एक भी दाना नीचे ना गिर जाए। अगर प्रसाद के रूप में तिरुपति बालाजी के स्वादिष्ट लड्डू मिल जाएँ तो फिर क्या कहना।